बोलो आदि, हाय एवरीवन, बोलो हाय एवरीवन, बोलो एवरीवन, बहुत गुड पिज़्ज़ा, उन्हें पानी पीना, उन्हें उन्हें प्यास लगी है। हैं? पोट नहीं है? उन्हें स्टोरी सुना था। स्टोरी सुना दो उन्हें। वो उड़ गया, वो आ गई वैन, नजर बैग ले गई। आ जा, जैसा कि आपने देखा कि बाहर कितनी तेज बारिश थी, फिर थोड़ी सी थमी बारिश तो मैं उसमें आई, पर इतनी भी नहीं थमी थी। मैं अभी गई, आके मैं नहाई और अभी चाय बना रही हूँ, और अभी मैं आपको बाहर का वेदर दिखाती हूँ। ये देखिए, अभी धूप निकल गई है। ये है सीन अभी आज का ना वेदर का। और यहाँ पे देखिए, इतनी तेज बारिश थी ना, उस साइड में जाती हूँ, चाय उबल गई थी तो मुझे फिर से भागना पड़ा अंदर, तो उस साइड में जाती हूँ। देखिए इतनी तेज़ बारिश थी, इतना गंदा लग रहा था, मेरे सारे पैर गंदे हो गए। फिर आके मैंने फटाफट से नहाया। एक बात तो अच्छी होगी कि मैंने सुबह सुबह ही नहा लिया है, अब एक काम तो ख़त्म हो गया है, बाकी के करते हैं। और आज पुष्पिंदर का भी ऑफ था तो मैंने उनको उठाया नहीं, नदर को मैंने सुबह रेडी करके स्कूल भेज दिया था। अभी नहा भी ली हूँ मैं, और आके फिर मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, अब वो भी उठ गए हैं। तो आजकल हम थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो हमने पराठे वगैरह को अभी स्किप कर दिया है। आज हमने पोहा बनाया है ब्रेकफास्ट में, और पापा के लिए मैंने बिना लेमन और अनार के दिया है। अनार उनको च्यू करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और खट्टा खट्टा उनको लेमन वाला अच्छा नहीं लगता। और साथ में एग बॉयल किए, और हम खा रहे हैं अनार के साथ, काफ़ी अच्छा बनता है ये। मैंने आपके साथ पिछली शायद ब्लॉग में भी शेयर किया था, क्वालिटी चॉइस का है ये पोहा। और ये अभी जा रहा है पुष्पिंदर के लिए, वो आ गए हैं ब्रश करके, अभी वो इसको एंजॉय करेंगे। और ये हमारा आज का ये ब्रेकफास्ट लाइट सा है। हमने अभी थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो हम सोच रहे हैं कि अभी थोड़ा सिंपल जो ब्रेकफास्ट है वो किया करेंगे, लाइट यानी पराठे वगैरह कम खाएंगे। और ये मैंने देने की जो प्रोडक्ट है, ये मैंने ऑर्डर किए थे, ये चार का सेट है, काफ़ी अच्छा है ये, गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए बेस्ट है। और मैंने भी ये एज ए गिफ्ट किसी को देने हैं, तो मैंने उसके लिए ऑर्डर किए थे। मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ, काफ़ी अच्छे हैं, अलग अलग दिए हुए हैं। एग्जैक्ट तो अभी मुझे नहीं पता है कि कैसा है, कौन सी किसकी कैसी फ्रेग्रेंस है, बट देखने में लुक वाइज बहुत अच्छा लग रहा है, और रहने के प्रोडक्ट्स हैं जो अच्छे ही होते हैं, तो ये मैंने ऑर्डर किया है। चलिए तो आपको बता भी देती हूँ ज़्यादा सस्पेंस क्या रखना है इसमें। ये मैंने टीचर्स डे के लिए, नदर की टीचर के लिए ऑर्डर किए हैं, तो कल टीचर्स डे है, वो लेके जाएगा स्कूल में। और आज फिर नदर गया तो था स्कूल, और ये ब्लॉग फिफ्थ का ही है और नाइट का है। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कॉफ एंड कोल्ड ज़्यादा हो गया था, स्कूल से आके फिर वो सो गया। छुट्टी भी उसको जल्दी हो गई थी, दिन में भी उसने कुछ लंच नहीं खाया अच्छे से, तो अभी नाइट में मैंने उसके लिए ये सूजी का हलवा बनाया है। हाय एवरीवन, हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। आज मैंने थोड़ा बहुत ही शूट किया, नदर की तबीयत ठीक नहीं थी जिसकी वजह से मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, और वैसे भी उसको स्कूल में आज हाफ डे हो गया था, वो जल्दी घर पे आ गया, और उसको कफ और कोल्ड इतना हो रखा है, बार बार वो खांस रहा है, यहाँ पे उसके पूरी रेशा बलगम जमी हुई है जिसकी वजह से उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर मैंने ज़्यादा ब्लॉगिंग शूट नहीं की। और अभी मैंने उसे हलवा बना के खिलाया है, खाना उसने दोपहर को भी नहीं खाया, इवनिंग में फिर मैंने उसे ऑमलेट दिया था, वो खाया थोड़ा सा, फिर मुझे बोलने लगा खाना बना लो, फिर मैंने खाना बनाया तो उसने नहीं खाया, तो मैंने फिर उसके लिए हलवा बनाया,
और वही उसको खिला दिया। और आज टीचर्स डे है, टीचर्स डे से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। मैंने दो स्कूल्स में टीच किया है, पहले एक पंजाब में स्कूल है आनंदपुर साहिब के पास है, शिवालिक व्यू स्कूल। अभी तो मुझे रिसेंटली अभी लास्ट वीक ही पता चला है कि वो स्कूल बंद हो गया है। काफी अच्छा स्कूल है वो। अगर आप आनंदपुर साहिब से नंगल की ओर जाते हो ना, तो वहाँ आता है गंगूवाल, आता है उससे पहले आता है वो मोड़ पे। आनंदपुर साहिब में जब आप एंटर करते हो ना, दोनों साइड्स पे गेट्स बने हुए हैं, तो जब आप नंगल की साइड जाते हो तो गेट बना हुआ आता है, तो उसके बिल्कुल ही साइड में है वो स्कूल। और अभी मुझे सुन के काफी अजीब सा लगा कि स्कूल बंद हो गया। काफी अच्छा स्कूल था हमारा, और उन्होंने अभी तो सीबीएसई बोर्ड की भी परमिशन ले ली थी। पहले जब मैं पढ़ाती थी उस टाइम पे वो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से था, और अभी सीबीएसई की ले ली थी उन्होंने। मैंने शादी से पहले वहां पे 4 साल टीच किया है। काफी अच्छा स्कूल था। और टीचर्स डे के दिन ना, मतलब एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मुझे सारी अपनी मेमोरीज जो रिकॉल होती है, वरना फिर पूरा साल तो अपने ही रूटीन में बिजी रहते हो। बीच में कभी किसी से बात हो गई, किसी की पिक्चर देख ली फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, कहीं किसी से कोई मैसेज पे हेलो हाय हो गई, तब मेमोरीज आती है। अपनी लाइफ के इतने काम होते हैं, आप बिजी रहते हो, लेकिन आज का दिन ऐसा होता है कि मुझे सारी अपनी जो मेमोरीज हैं वो रिकॉल होती हैं। फिर उसके बाद शादी के बाद फिर मैं मसूरी में रही अपने हस्बैंड के साथ, वहां पर मैंने पूरा 1 साल टीच किया है, और उस स्कूल की भी बहुत प्यारी मेमोरीज हैं मेरे पास। काफी टीचर्स के साथ काफी अच्छा बॉन्ड था वहां पे मिस भी। करती हूँ टीचिंग को, बट ठीक है, अब पॉसिबल नहीं है। अब नदर भी छोटा है और पापा भी अभी बीमार हैं, तो होप सो इन फ्यूचर हम करेंगे जॉब स्टार्ट कंटिन्यू। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उसकी वजह से सैड हूँ या परेशान हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि अभी मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले नदर की थी और अभी इस साल मैंने उसको स्कूल में डाल दिया है, और मैं सोच भी रही थी कि अभी मैं अपना ट्राई करना स्टार्ट कर दूंगी जॉब के लिए। पर इमीजिएटली पापा के बीमार होने की वजह से फिर मैंने पोस्टपोन कर दिया अपना डिसीजन। और बाकी मैं यूट्यूब तो अपना कर ही रही हूँ, फ्री तो हूँ नहीं। यहाँ पे भी अभी कंटेंट तो क्रिएट करना ही होता है, टाइम तो लगता ही है। और फिर मेरा यूट्यूब ये पीछे छूट जाता अगर मैं जॉब कंटिन्यू कर लेती, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टाइम को हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप जॉब करते हैं तब आपकी फिक्स टाइमिंग्स होती हैं, आपको वर्कलोड होता है, तो बहुत कुछ मैनेज करने के लिए होता, काफी चैलेंजिंग भी होता। लेकिन इन फ्यूचर जरूर करेंगे जैसे भी मौका मिलेगा। बट अभी मैंने प्रायोरिटी अपनी फैमिली को दी है, क्योंकि मैंने शुरू से ही अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दी है, तभी आज मैं यहाँ पे हूँ। एंड लास्ट मैसेज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो पंजाब में और मसूरी में थे मेरे, अभी तो बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, ग्रोन अप हो गए हैं। पंजाब वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो तो मैरिज भी हो गई है, उनमें से स्टार्ट हो चुकी है उनकी मैरिज होने भी। और जो मसूरी वाले थे वो भी छोटे छोटे थे, अभी थोड़ा टाइम लगेगा उनको। तो सभी के लिए बेस्ट विशेस, आपका अपकमिंग जो फ्यूचर है वो बढ़िया रहे। और स्टाफ मेंबर्स जो मेरे कुलीग्स थे उनको भी बेस्ट विशेस, आपका भी फ्यूचर है जो बेस्ट हो। कुछ लोग तो टीच कर भी रहे होंगे इस टाइम पे, मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं मसूरी जाऊं, उन सबसे मिल के आऊं। और हमारा प्लान भी था कि ना थोड़ा बड़ा हो जाए तो फिर जाएंगे, देखते हैं इन फ्यूचर। मुझे बहुत याद आ रही है मसूरी वालों आपकी, तो होप सो आएंगे हम जल्दी ही, पापा ठीक हो जाए, थोड़ा हेल्थ उनकी ठीक हो जाए, तो फिर प्लान करेंगे हम। और पंजाब में तो मैं जाती रहती हूँ, पर टीचर्स से नहीं मिल पाती क्योंकि सभी अपनी उसमें लाइफ बिजी हैं, और कुछ लोग तो जॉब कर रहे हैं। बस हाँ ये है कि कभी कभार फोन पे बात हो जाती है, पर मैं सोच रही हूँ कि कभी जाऊँ तो फिर एक डे प्लान करें हम लोग भी, जैसे बोलते हैं रीयूनियन करते हैं टीचर्स, ऐसा कुछ हो। होप सो अगर पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि अब सभी फैमिलीज वाले हो चुके हैं और फिर अपने सभी को काम होते हैं, तो ऐसा बहुत कम ही पॉसिबल होगा। बट देखते हैं बात करके, जितने भी टीचर्स हैं कि इनके साथ रीयूनियन की जाए और कनेक्ट किया जाए। तो चलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही, जल्दी मिलती हूँ आपको फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्प्रेड पॉजिटिविटी, और हैप्पी टीचर्स डे वंस अगेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।